हेलो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस आल्स राइटिंग टास्क वन वी विल डिस्कस टेबल चार्ट एंड जो टेबल चार्ट आज हम डिस्कस करेंगे उसमें हमारे पास पास्ट का डेटा भी होगा प्लस फ्यूचर का डेटा भी होगा सो आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू राइट दीज काइंड ऑफ टास्क वन इन योर फाइनल एग्ज़ैम सी स्टूडेंट्स जैसे कि इस टेबल में हमारे पास फ़्यूचर का डेटा होगा सो so फ्यूचर के डेटा को एक्सप्लेन करने के लिए इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी है इस चैनल पे, जिन्हें स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो बिकॉज़ उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि फ़्यूचर के डेटा को कैसे एक्सप्लेन करना है कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं कौन से रूल्स हैं सो so, उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी वहाँ से आप चेक कर सकते हो नाओ आज की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास द ग्राफ बिलो शोज़ द पॉपुलेशन ऑफ थ्री सिटीज इन नाइनटीन नाइनटी द पॉपुलेशन फॉरकास्ट ऑफ टू थाउजेंड एंड द एक्चुअल पॉपुलेशन ऑफ टू थाउजेंड समर द इंफॉर्मेशन बाय सेलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर्स एंड मेक कंपेरिजन वेयर रेलिवेंट सी हमारे पास ये वाला ग्राफ है ठीक है तो ये क्या शो कर रहा है पॉपुलेशन शो कर रहा है लाइक एक्चुअल पॉपुलेशन 1990 में कितनी थी एंड पॉपुलेशन की प्रडिक्शन करी गई थी 1990 में 2000 ईयर के लिए कि हाँ जी 2000 ईयर में इतनी इतनी, इतनी पॉपुलेशन होगी एंड जब 2000 आया उसमें एक्चुअल पॉपुलेशन थी कितनी सो so, एक तो एक्चुअल पॉपुलेशन 1990 की है प्लस फोरकास्ट मीन प्रडिक्शन करी गई थी टू थाउजेंड ईयर के लिए वो वाली पॉपुलेशन शो कर रहा है प्लस टू थाउजेंड ईयर की जो एक्चुअल में पॉपुलेशन थी वो शो कर रहा है ये ग्राफ हमें ठीक है यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि इसके मेन फीचर्स को हमने एक्सप्लेन करना है एंड जहाँ पे कंपेरिजनज रेलिवेंट होंगे है ना वहाँ पे हम ये जो भी डेटा गिवन होगा इसको कंपेयर कर देंगे फर्स्टली वी विल पैराफ्रेज द गिवन स्टेटमेंट दिस इज़ दिवन स्टेटमेंट एंड ये पैराफ्रेजिंग के बाद की स्टेटमेंट है सी जब भी आप स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करते हो जहाँ तो आप कुछ वर्ड्स को चेंज कर सकते हो या आप सेंटेंस को भी चेंज कर सकते हो बट मीनिंग शुड भी सेम सी जो गिवन स्टेटमेंट का मीनिंग है पैराफ्रेजिंग के बाद भी स्टेटमेंट का मीनिंग सेम रहना चाहिए मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए पैराफ्रेजिंग के बाद सो so, उन्होंने राइट किया था द ग्राफ ब्लो हमारे पास ग्राफ कौन सा है टेबल ग्राफ है ना सो so, हम राइट हमने राइट किया द टेबुलर डेटा इलस्ट्रेट्स ट्रेट्स द एक्चुअल पॉपुलेशन ऑफ थ्री स्पेसिफिक सिटीज इन 1990 एंड 2000 थाउजेंड विद द डेमोग्राफिक प्रोडिक्शंस मेड इन 1990 फॉर 2000 सी हमारे पास थ्री सिटीज़ हैं साओ पोलो जकार्ता एंड शंघाई ये थ्री स्पेसिफिक सिटीज़ है ये वाली थ्री सिटीज़ की जो 1990 में एक्चुअल पॉपुलेशन थी वो शो कर रहा है प्लस जो एक्चुअल पॉपुलेशन 2000 में थी वो शो कर रहा है प्लस जो प्रोडिक्शन करी गई थी 2000 के लिए कौन से ईयर में प्रोडिक्शन करी गई थी 1990 में सो ये हमने स्टेटमेंट में राइट किया है कि जो टेबुलर डेटा है वो क्या शो कर रहा है इन्होंने शो शो वर्ड यूज़ किया था हमने उस वर्ड को चेंज कर दिया इल स्ट्रेट क्या शो कर रहा है एक तो एक्चुअल पॉपुलेशन थ्री सिटीज़ की 1990 में कितनी एक्चुअल पॉपुलेशन थी 2000 में कितनी एक्चुअल पॉपुलेशन थी विद डेमोग्राफिक प्रडिक्शनज जो कि 1990 में करी गई थी किस ईयर के लिए 2000 ईयर के लिए की गई थी प्रोडिक्शंस सी हमारे पास सब्जेक्ट है द टेबलर डेटा एक टेबल है सो सिंगुलर है सो उसके लिए हम वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करेंगे वर्ब सिंगुलर कैसे होगी वर्ब के साथ हम एस और ई एस यूज़ करते हैं तो वर्ब सिंगुलर होती है अगर हम वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं यूज़ करते देन वर्ब प्लूरल होती है सो हमने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज़ करनी होती है हमारे पास एक टेबल था सो सिंगुलर था दैट्स वाई हमने वर्ब को भी सिंगुलर किया एस यूज़ करके इवल सट्रेट्स हमने राइट किया सो so ये तो थी हमारी स्टेटमेंट आफ्टर पैराफ्रेजिंग नाओ सी स्टूडेंट प्रॉबिंग फर्दर बिफोर आगे जाने से पहले ना आप पता क्या करो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज ऑन दिस चैनल आई विल प्रोवाइड यू द बेस्ट कंटेंट एंड सुपर क्लासेज फॉर योर बेस्ट प्रेपरेशन नाओ वी विल स्टार्ट आर बॉडी पैराग्राफ वन ये हमारे पास टेबल है गिवन इट इज़ मैनिफेस्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ग्लैंस दैट इसका मीनिंग हुआ फर्स्ट लाइन का कि जब अगर हम टेबल को देखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या दिखाई देता है ठीक है इट इज़ मैनिफेस्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ग्लैंस दैट सो पोलो इन 1990। पहले हम 1990 वाले कॉलम को एक्सप्लेन करेंगे सो so, हमने राइट किया 1990 नाइन्टी ईयर एग्जामिनर को क्लियर होना चाहिए कि आप कौन सी वैल्यूज़ को एक्सप्लेन करने जा रहे हो सो so, हम 1990 वाली वैल्यूज़ को एक्सप्लेन करेंगे सो so, हमने ये मेंशन कर दिया कि 1990 में सौ पोलो वॉज द मोस्ट पॉपुलर सिटी विद 15 मिलियन डवैलर्स कि 1990 में सौ पोलो की मोस्ट पॉपुलर सिटी थी विद फिफ्टीन मिलियन डवैलर्स मीन्स रेजिडेंट्स और वी कैन से इनहेबिटेंट्स और वी कैन से डवेलर्स कि 1990 में जो सौ पोलो थी वो मोस्ट पॉपुलर्स सिटी थी एंड इसकी वैल्यू कितनी थी इसके पीपल कितने थे और वी कैन से इसकी पॉपुलेशन कितनी थी 15 मिलियन सो so हमने सौ पोलो की वैल्यू को एक्सप्लेन कर दिया 1990 के लिए सबसे हाईएस्ट वैल्यू सौ पोलो की थी 15 मिलियन इससे लेस किस की है शंघाई की ये सेकेंड प्लेस पे है एंड सबसे लीस्ट वैल्यू किसकी है जकार्ता की ये है नाइन पॉइंट फाइव मिलियन वेयर एज़ कंपेरिजन कर देंगे इससे पहले हम कॉमा यूज़ करेंगे देन हम यूज़ करेंगे वेयर एज़ का वेयर एज़ जकार्ता अमर्ज एज द लीस्ट पॉपुलर सिटी हैविंग नाइन पॉइंट फाइव मिलियन इनहेबिटेंट्स कि जब पोलो को तो एक्सप्लेन किया एंड हम कंपेरिजन कर रहे हैं इसका जकार्ता के साथ आप शंघाई के साथ भी कर सकते हो आपकी चॉइस है ये वे एज जबकि जकार्ता लीस्ट पॉपुलर सिटी थी एंड इसकी वैल्यू कितनी थी 9.5 मिलियन सो हमने वो राइट कर दिया कि जकार्ता इमर्ज एज द लीस्ट पॉपुलर सिटी हैविंग 9.5 मिलियन इन्ेबिटेंट्स और वी कैन से रेजिडेंट्स और वी कैन से डवेलर्स और वी कैन से इन्हेबिटेंट्स नेक्स्ट हमारे पास लेफ़्ट क्या है शंघाई सौ पोलो वॉज़ फॉलोड बाय शंघाई सी सौ पोलो की वैल्यू थी फिफ्टीन मिलियन इससे सेकेंड नंबर पे किसकी वैल्यू आ रही है शंघाई की थर्टीन पॉइंट फाइव मिलियन सो वी कैन से सौ पोलो वॉज फॉलोड बाय शंघाई ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड अदर सेंटेंस कौन सा हम यूज़ कर सकते हैं इनमें से एक ही आप राइट करोगे शंघाई स्टूड एट द सेकेंड स्लॉट विद पॉपुलेशन पॉपुलेशन बींग थर्टीन पॉइंट फाइव मिलियन हम ऐसे भी एक्सप्लन कर सकते हैं कि जो शंघाई है वो सेकेंड स्लॉट पर था मीन्स सेकेंड प्लेस पे था एंड इसकी पॉपुलेशन कितनी थी थर्टीन पॉइंट फाइव मिलियन वो राइट किया हमने सो so, इस कॉलम को हमने एक्सप्लन कर दिया मीन्स नाइनटीन नाइन्टी की एक्चुअल पॉपुलेशन की वैल्यूज़ को हमने एक्सप्लें कर दिया नाउ हम इन दोनों वैल्यूज़ को दोनों कॉलम्स हैं ना इनको एक्सप्लेन करेंगे इसमें है क्या इसमें तो टू थाउजेंड की एक्चुअल पॉपुलेशन है इसमें टू थाउजेंड ईयर के लिए प्रोडिक्शन करी गई थी नाइनटीन नाइन्टी में हाँ जी उन्होंने प्रोडिक्शन करी थी कि जो सौ पोलों की पॉपुलेशन टू थाउजेंड में ट्वेंटी फोर मिलियन होगी सी प्रडिक्शन करते हैं ज़रूरी नहीं जो प्रडिक्शन करी वो सही जाएगी उसे वैल्यू इंक्रीज़ भी हो सकती है सेम भी रह सकती है उसे डिक्रीज भी हो सकती है क्योंकि हमें फ्यूचर का कुछ नहीं पता कि वहाँ पे वैल्यू सेम रहेगी सो जस्ट प्रडिक्शन कर सकते हैं हम सिमिलरली जहाँ पे उन्होंने प्रडिक्शन करी थी कि टू थाउजेंड में इसकी वैल्यू ट्वेंटी फोर मिलियन होगी बट एक्चुअल में जाके एटीन मिलियन वैल्यू थी सौ पोलों की सो प्रोडिक्शन रॉन्ग प्रूव होगी बिकॉज इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी नेक्स्ट जकार्ता की प्रोडिक्शन करी थी उन्होंने कि 2000 में जाके इसकी पॉपुलेशन होगी 14 मिलियन बट जब 2000 आया तो एक्चुअल में पॉपुलेशन थी कितनी 17.5 मिलियन थी सो so, इसकी इंक्रीज हो गई सिमिलरली शंघाई की प्रोडिक्शन uh, करी थी उन्होंने कि 17 मिलियन पॉपुलेशन होगी बट इन एक्चुअल प्रडिक्शन थी कितनी ट्वेल्व पॉइंट फाइव मिलियन नौ हम इनको एक्सप्लेन करेंगे सेकेंड बॉडी पैराग्राफ पे जाएंगे हमने क्या लिंकर यूज़ किया प्रॉबिंग फर्दर इट वॉज सी प्रोडिक्शन को एक्सप्लेन करेंगे हमने इसीलिए राइट किया प्रडिक्टेड एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा हाँ जी ये प्रोडिक्शन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ये एक्चुअल पॉपुलेशन है ये प्रोडिक्शन वाली पॉपुलेशन है इट वॉज़ प्रडिक्टेड इन नाइनटीन नाइनटी दैट सौ पोलोज़ पॉपूलेशन वुड बर्जन टू ट्वेंटी फोर मिलियन इन टू थाउजेंड कि ये प्रडिक्ट किया गया था नाइनटीन नाइन्टी में कि जो सौ पोलो की पॉपुलेशन होगी टू थाउजेंड में वो कहाँ तक इनक्रीज़ होगी ट्वेंटी फ़ोर मिलियन तक सो पॉपुलेशन इंक्रीज होने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं बर्जन इसका मीनिंग होता है कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ होना ये वर्ड सिर्फ पॉपुलेशन के साथ ही यूज़ करते हैं हम इसका मीनिंग होता है इंक्रीज़ होना ये तो थी प्रोडिक्शन प्रोडिक्शन करी गई थी कि जो सौ पॉलो की पॉपुलेशन है टू थाउजेंड में वो कहाँ तक इंक्रीज होगी ट्वेंटी फोर मिलियन तक बट दिस प्रोडिक्शन वेंट रॉन्ग ये प्रडिक्शन रॉन्ग चलेगी बिकॉज एक्चुअल में तो 18 मिलियन थी ना पॉपुलेशन पॉपुलेशन थी सो so हमने किया, to, to 18 कि जो पॉपुलेशन थी कहाँ तक राइज हुई थी 18 मिलियन तक ठीक है सो so, कैन की सेकेंड फॉर्म कुड है सो कैन so की प्लेस पर हमने कुड का यूज़ किया ऐसे भी आप राइट कर सकते हो कुड राइज टू ओनली एटीन मिलियन और वी कैन से कुड राइज ओनली टू एटीन मिलियन नेक्स्ट जकार्ता को एक्सप्लेन करेंगे जकार्ताज पॉपुलेशन वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू स्वेलव बाय फोर पॉइंट फाइव मिलियन एट द एंड ऑफ सेंचुरी सी उन्होंने यहाँ पे 1990 में जकार्ता की पॉपुलेशन थी 9.5 मिलियन प्रोडिक्शन करी थी उन्होंने कि 2000 में इसकी वैल्यू वैल्यू 14 मिलियन होगी सो अगर हम यहाँ से देखें 1990 से 2000 तक की प्रोडिक्शन को देखें तो कितने का इंक्रीज़ है 4.5 मिलियन का आप कहीं से भी वैल्यूज़ को कंपेयर वगैरह कर सकते हो जो आपकी चॉइस है इन दोनों को कर लो इन कॉलम्स की वैल्यूज़ को कंपेयर कर लो वो आपकी चॉइस है टोटली ठीक है सो so, मैं इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर कर रही हूँ इससे हमारे थोड़े कंपेरिज़न भी हो जाएंगे उन्होंने किया कि जो जकार्ता की पॉपुलेशन है वो उसकी क्या प्रोडिक्शन करी गई थी और वी कैन से क्या एक्सपेक्टेशन थी उसकी वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू सवेलप बाई फोर पॉइंट फाइव मिलियन एट द एंड ऑफ सेंचुरी सो जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है उसके लिए हम और कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं सवेलप मीन्स इंक्रीज़ होना ये भी हम पॉपुलेशन के साथ ही यूज़ करते हैं इसका मीनिंग कितने से पॉपुलेशन इंक्रीज होगी फोर पॉइंट फाइव मिलियन से एट द एंड ऑफ सेंचुरी मीन्स टू थाउजेंड के एंड तक बट इट फार एक्सीडेड इट्स इट फार एक्सीडेड इट्स एक्सपेक्टेशन एंड रीच्ड 17.5 पॉइंट फाइव मिलियन बट इसने अपनी एक्सपेक्टेशन और वी कैन से प्रोडिक्शन को एक्सीड कर दिया मीन्स उससे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगी एंड कहाँ तक पहुँची सेवनटीन पॉइंट फाइव मिलियन तक सी रीच के साथ हम ऐड का यूज़ नहीं करते कभी भी ठीक है ऐसे नहीं इसके साथ ऐड का यूज़ नहीं करना वो रॉन्ग होता है ओनली रीच और पास्ट के लिए हम यूज़ करेंगे रीच्ड कि इसकी प्रोडिक्शन करी गई थी कि ये 2000 में 14 मिलियन तक जाएगी सेम हम सिंपल सेंटेंस नहीं राइट करेंगे रिपीट नहीं करेंगे सेम सेंटेंस को सो so हमने इससे कंपैरिजन कर दिया कि 4.5 मिलियन का इंक्रीज़ होगा 9.5 से 14 तक देखे तो कितने का इंक्रीज़ है 4.5 का ये तो प्रडिक्शन थी बट इन एक्चुअल इसकी पॉपुलेशन थी सेवनटीन सो फोटीन की प्रोडिक्शन थी ये उससे भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी सेवनटीन सेवनटीन पॉइंट फाइव मिलियन तक चले गई है ना सो so हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया नाव हमारे पास क्या बचा शंघाई गोइंग बाय स्पेक्युलेशन जब भी हम फ्यूचर के सेंटेंस को एक्सप्लेन करते हैं फ्यूचर की वैल्यूज़ को फ्यूचर के डेटा को तब हम ये वाले फ्रेजेस वगैरह यूज़ करते हैं ये सारा कुछ मैंने पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है सो so, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो गोइंग बाय स्पैक्यूलेशन इस एग्ज़ामिनर को क्लियर होगा हाँ जी ये फ्यूचर की वैल्यू को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन शंघाई वुड बर्ल्स टू सेवनटीन मिलियन सो क्या प्रडिक्शन करी गई थी कि जो शंघाई की पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन की प्लेस पे और क्या हम यूज़ कर सकते हैं नंबर ऑफ पीपल कि जो शंघाई में थे वुड बर्ल्ज टू सेवनटीन मिलियन कि वो कहाँ तक इंक्रीज़ होंगे सेवनटीन मिलियन तक इंक्रीज़ होंगे प्रडिक्शन ये थी सो so, पॉपुलेशन इंक्रीज इंक्रीज़ के लिए और हम कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं बर्ल्ज इसका मीनिंग भी होता है कि इंक्रीज़ होना बट ये सिर्फ़ पॉपोलेशन के साथ ही हम यूज़ करेंगे सो so, ये थी प्रडिक्शन की जो शंघाई की पॉपुलेशन है 2000 में वो 17 मिलियन तक की इनक्रीज़ होगी बट इरानिकली द एक्चुअल पॉपुलेशन श्रैंक टू 12.5 मिलियन बट इसके ऑपोजिट हुआ क्या वो डिक्रीज हो गई पॉपुलेशन 2000 में कहाँ तक गई 12.5 मिलियन तक प्रडिक्शन थी कि 2000 में शंघाई की पॉपुलेशन होगी 17 मिलियन बट एक्चुअली 2000 में जाके क्या हुआ डिक्रीज़ होगी पॉपुलेशन कहाँ तक 12.5 मिलियन तक डिक्रीज के लिए हमने वर्ड यूज़ कर दिया श्रैंक श्रिंक की सेकेंड फॉर्म श्रैंक पास्ट के लिए सो so ये सारी वैल्यूज़ को हमने एक्सप्लेन कर दिया नाव वी विल कंक्लूड दिस कंक्लूजन करेंगे ओवरऑल इट इज़ क्वाइट एविडेंट दैट ऑल दी डेमोग्राफिक प्र प्रोडिक्शंस भी यूज़ कर सकते हो बट एवरी टाइम हम प्रडिक्शन प्रोडिक्शन वर्ड यूज़ नहीं करेंगे कहीं पर हम कुछ यूज़ करेंगे वर्ड कुछ ये सारे वर्ड्स मैंने पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन करे हैं सो so वहाँ से आप देख सकते हो इट इज़ क्वाइट एविडेंट दैट ऑल दी डेमोग्राफिक प्रोजेक्शंस प्रूवड टू बी रॉन्ग कि जितनी भी प्रोडिक्शंस करी गई थी और वी कैन से ऑल दी डेमोग्राफिक प्रोजेक्शन्स वो क्या रोंग प्रूव होगी क्यों प्रडिक्शन थी ट्वेंटी फोर मिलियन की एक्चुअल में जाके एटीन मिलियन थी पॉपुलेशन प्रडिक्शन थी फोटीन मिलियन की एक्चुअल में जाके इसकी वैल्यू थी कितनी सेवेंटीन पॉइंट फाइव मिलियन प्रडिक्शन करी गई थी सेवनटीन मिलियन की बट इन एक्चुअल वैल्यू थी कितनी ट्वेल्व पॉइंट फाइव मिलियन द पॉपुलेशन ऑफ सो पोलो एंड शंघाई ये भी कंक्लूजन में है

शंघाई की प्रोडिक्शन थी सेवनटीन मिलियन की बट इन एक्चुअल ट्वेल्व पॉइंट फाइव मिलियन तक पॉपुलेशन थी सो so ये दोनों वैल्यूज़ अपनी प्रडिक्शन से लो है नीचे हैं सो मीन्स उसका क्या हो गया फेल शॉर्ट ऑफ देयर प्रोडिक्शंस वेयर एज जो एक्चुअल पॉपुलेशन जकार्ता की थी वो अपनी प्रोडिक्शन से काफ़ी ऊपर थी प्रडिक्शन के लिए और हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं फॉरकास्ट का सर पास मीनिंग उसको पास करके उससे ऊपर थी काफ़ी उससे काफ़ी इंक्रीज्ड थी ठीक है काफ़ी इंक्रीज़ आ गया उसमें इसकी प्रोडिक्शन थी फोर्टीन मिलियन की बट इन एक्चुअल वैल्यू थी कितनी सेवनटीन पॉइंट फाइव मिलियन सो थ्री पॉइंट फाइव मिलियन का इंक्रीज़ हुआ वो काफ़ी बड़ा इंक्रीज़ होता है सो so, हमने राइट कर दिया सर पास्ट इट्स फोरकास्ट सो ये था हमारा टेबल जिसमें कि हमने पास्ट एंड फ्यूचर की वैल्यूज़ को एक्सप्लेन किया आई होप यू गाइज़ वी लाइक दिस वीडियो इफ देयर इज़ एनी क्वेरी यू कैन पोस्ट इट इन दी कमेंट सेक्शन एंड जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया डू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू वॉन्ट टू स्कोर सेवन प्लस बैंड इन योर फाइनल एग्जाम बिकॉज इस चैनल पर मैं आपकी बहुत बेस्ट वे में प्रेपरेशन करवाऊंगी सो so, सारी वीडियोज़ को फॉलो करके आप अपना बैंड स्कोर इम्प्रूव कर सकते हो एंड अपना डिज़ायर्ड बैंड स्कोर अचीव कर सकते हो अपने फाइनल एग्जाम में सो so, सब्सक्राइब करो इस चैनल को ऑल वीडियोज़ को फॉलो किया करो सभी वीडियोज़ को आपने अच्छे से देखना है आपको काफ़ी बेनिफिट होगा सभी वीडियोज़ को अगर आप देखते हो एंड फॉलो करते हो तो एंड इस वीडियो को लाइक कर दो शेयर कर दो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग